नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जीरा के तलवंडी रोड पर स्थित माता काली मंदिर को चोरों ने बनाया निशाना। बैटरी, इन्वर्टर, एलसीडी और चांदी के गहने चोरी कर हुए फरार। पावर लिफ्टिंग यूरोपियन चैंपियनशिप किंग्रिस्तान में भवानीगढ़ के दपिंदर सिंह ने 18 देशों के 1500 खिलाड़ियों को दी मात, एक स्वर्ण एक रजत पदक जीतकर देश का नाम किया रोशन। जालंधर के अधीनाते कोट सदीक में चोरों ने एक घर को बनाया निशाना। सोने चांदी के गहने चोरी कर हुए फरार। और अब हलचल विस्तार से। जीरा में चोरी और लूटपाट की वारदातें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं और ये समाज विरोधी तत्व वारदातों को अंजाम देकर बेखौफ होकर निकल जाते हैं और पुलिस सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटती हुई नजर आती है, जिसका ताजा मामला जीरा के तलवंडी रोड स्थित खंड मिल में बने माता काली के मंदिर में सामने आया है, जहां गत रात्रि कुछ चोरों द्वारा मंदिर में दाखिल होकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। गत रात्रि कुछ अज्ञात चोर काली माता के मंदिर में दाखिल होकर मंदिर में पड़ी बैटरी, इन्वर्टर, एलसीडी और माता के गले में पड़े चांदी के गहने आदि चोरी कर फरार हो गए। इस मौके पर मंदिर कमेटी के प्रधान तरसेम लाल ने कहा कि पुलिस को चोरी की घटना की सूचना देने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। जीरा से हलचल के लिए सतीश विज की रिपोर्ट। मैं तरसेम लाल जनेजा, प्रधान काली माता मंदिर खंड मिल जीरा। सवेरे 1:30 बजे रात मैंनु फोन आया सिक्योरिटी गार्ड वालों का कि मंदिर के प्रधान जी चोरी हो गई है। असी मैं सारे आपके मैंबरों को फोन किया, वो कहते मैंबर साहब कहते आप सवेरे तड़के निकलेंगे इतने। अभी सवेरे तड़के 6 बजे मंदिर आके देखा कि माता की मूर्ति नाल भी छेड़खानी हुई हुई है, तो माता जो गल च गहने पाए थे संगत वालों वो भी चांदी का हार नहीं है, झांजर नहीं है माता के पैरों के, और जी गोलक नाल भी भन तोड़ की गई। जिस उस तो बाद बजरंग बल की मूर्ति वाली भी गए तो बजरंग बल की मूर्ति नाल भी छेड़खानी की हुई सी। असी आसे पासे जो देखा जरा माता का दे इनवर्टर तो बैटरा भी वह भी गैब सगा, एक एल सी डी लगी सी वह भी चोर आपदे ला के लै गए। मैं प्रशासन तो यही मंग करदा कि इनकी जल्दी जल्दी कार्रवाई की जाए तो सानू इंसाफ दवाया जाए। पावर लिफ्टिंग यूरोपियन चैंपियनशिप किंग्रिस्तान में आयोजित की गई थी, जिसमें दुनिया के 18 देशों के लगभग 1500 एथलीट्स ने भाग लिया था। इन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत की ओर से खेलते हुए भवानीगढ़ के दपिंदर सिंह ने 82.5 किलोग्राम वर्ग भार में भाग लिया। दपिंदर सिंह ने विभिन्न श्रेणियों में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीतकर अपने माता पिता, भवानीगढ़, जिला संगरूर और पंजाब के साथ साथ भारत का नाम रोशन किया और अपने देश का नाम भी सुनहरे अक्षरों में लिखा। मेडल जीतने के बाद भवानीगढ़ पहुंचने पर दपिंदर का स्थानीय निवासियों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान गुरुद्वारा नौवीं पातशाही भवानीगढ़ में श्रोमणी अकाली दल के हल्का प्रभारी विनरजीत सिंह गोल्डी ने हल्के की पूरी टीम के साथ दपिंदर सिंह को सिरोपा भेंट कर सम्मानित किया। गोल्ड मेडल विजेता दपिंदर सिंह ने कहा कि वह अक्टूबर में इंग्लैंड में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर अपने देश का नाम रोशन करेंगे। दपिंदर ने अपनी जीत का श्रेय अपने कोच करमजीत सिंह कर्मा पटियाला को दिया। उन्होंने कहा कि वह अपनी कड़ी मेहनत के कारण ही यह मुकाम हासिल कर पाए हैं। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। यूथ नू मेरा सर गोल्ड मेडल जित के आया तो बहुत वधिया फील हो रहा मैनू। तो मेरी शुरुआत बड़े छोटे जे लैवल तो स्टार्ट होया सी। मैं तकरीबन 3 साल तो स्टार्ट करी है जी पावर लिफ्टिंग, तो हौली हौली असी करते गए। पहला नैशनल कर डिस्ट्रिक्ट की जी, फिर नैशनल की, तो हुण इंटरनेशनल असी गोल्ड मैडल में लैके आए। तो यही है जी, वध तो वध भी मेरा आप करते हैं तो यूथ जुड़े साढ़े नाल, तो नशियां तो दूर रहे, तो जो अगे असी अपने गेम नू प्रमोट करिए। कोचिंग तो एवं जी, पहले 2 साल तो मैं स्टार्ट करी, पहले तो लोकल देख के ही करता सी। मैं फेस देख लिया, यूट्यूब पर देख लिया, तो होर जो कंपटीशन से जाके देखा, पर जो असल में मैं 1.5 साल के मैंने पटियाले तो कोचिंग मेरे उस्ताद जी ने कर्मा भाजी उन्होंने तो मैंने कोचिंग ली, तो उन्होंने दिशा निर्देश के अनुसार ही उन्होंने दसिया मैनू, तो वो अकॉर्डिंग ही मैं फिर अगर गोल्ड मैडल प्राप्त किया जी। पहले तो बहुत बहुत बधाई दे पात्र ने दीपेंद्र होरी, क्योंकि भवानीगढ़ तो उठ के किर्गिस्तान के गोल्ड मैडल लेके आना, तो वह भी अपने बलबूते अपनी मेहनत सदका, तो बहुत ही कह सकते शलाघाजोग कदम है।
सो मैं तो यही गल कहूँगा कि एक नौजवान ही प्रेरणा स्रोत ने जिथे सरकारां नू फैडरेशनस नू साढ़े जिहड़े इहो जिहे नौजवान ने पिंडां दे विचों चुक के उन्हां नू उत्थे प्रमोट करना चाहिए ना कि जिहड़ा कि किसी की सिफारिश नाल जां किसी होर तरीके नाल होवे। इहो जिहे नौजवान जिहड़े ने जदों इह किते जाके आम पिंडां चों उठ के जां आम शहरां चों उठ के जदों किते देश दुनिया दे विच अपना नां रोशन करदे ते अगली जिहड़ी पीढ़ी है उहनूं इक प्रेरणा मिलदी है कि भाई मैं भी कुछ कर सकदा। साडी फीलिंग तां इह है साडा बच्चा साडा बेटा गोल्ड मैडल लेके आया पावर लिफ्टिंग के बिचों तकरीबन साढ़े तो सारे शहर के बिच ही चाव चढ़िया पै सारू भी साडा पहली बार अज एक भी बेटा गोल्ड मैडल लेके आया तो सानू बहुत खुशी है। असी दीपिंदर नू मुबारकबाद भी दिने जिते सारे शहरियां वालों सारे पिंड वालों सारे इलाके वालों सरकारां तो यही आखते हैं देखो भी जिहड़ा बच्चा मैडल लेके आउंदा गोल्ड मैडल लेके आया एक देश लई लेके आया साडी स्टेट लई लेके आया साडे जिले लई लेके आया साडे पिंड दा नाम तां उच्चा हाई है भवानीगढ़ दा। इहनां वल सरकारां नूं ध्यान देना चाहीदा इह जिहड़ियां आपदियां जेबां खर्च के देश लई मैडल लेके आउंदे ने इहनां दी वित्तीय मदद भी होनी चाहीदी है। जालंधर के थाना 5 के अधीन पड़ते कोट सदीक में चोरों द्वारा एक घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए घर के मालिक ने बताया कि वे गर्मियों की छुट्टियों के चलते शिमला गए हुए थे और जब वापस आकर देखा तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी में पड़े सोने चांदी के गहने गायब थे, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही संबंधित थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस दौरान एएसआई विपिन कुमार ने बताया कि घर में से चोरों की अंगुलियों और जूतों के निशान के सैंपल लिए गए हैं, जल्द ही चोरों को काबू कर लिया जाएगा। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। पहली कोई चोरी हुई है 11 बजे तो लेके 2 बजे के बीच में 2-3 बजे के बीच में सोने का सामान समोन ही वो लेके जाके जेड़ा भी चांदी चुंदी का व्याही उन्हें सारा जाके ले गए। पैसे नहीं है बीच बाकी उन्होंने ऐसा ही मतलब कि सारा इधर उधर फोल फूल के जो भी है सोना की सीगा सोना ही काटे ही सस दे वे दे थे ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਬਾਕੀ ਝਾਂਜਰਾ ਝੁੰਜਰਾ ਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਰਿੰਗਾਂ ਰੁੰਗਾਂ ਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਪਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਲੋਕਰ ਵਗੈਰਾ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਗੋਲ ਤੱਕ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਦਾ ਡਿਵੀ ਨੰਬਰ 5। जालंधर के मोता सिंह नगर में एक घर में आग लग गई। इस दौरान तेज हवाओं के कारण आग ने जल्द ही भयानक रूप धारण कर लिया, जिसके बाद इलाका वासियों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान फायर ब्रिगेड के कर्मचारी राजेंद्र ने बताया कि बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी है और उन्होंने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। उन्होंने बताया कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है पर माली नुकसान काफी हुआ है। जालंधर शहर में चोरी की वारदातें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं, जिसका ताज़ा मामला अशोक नगर में सामने आया है, जहां गत रात्रि चोरों द्वारा एक घर को निशाना बनाया गया। इस दौरान लोगों ने मौके पर से एक चोर को काबू कर लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि दो चोर भागने में सफल हो गए। मौके पर पहुंची PCR की टीम चोर को हिरासत में लेकर थाने ले गई। PCR कर्मचारी रंजीत सिंह ने बताया कि पुलिस की ओर से मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। तीन जाने ही जो दो जाने भज गए एक जाना काबू कर लिया ये तो पूछगिछ की कहते भी बंद कोठी के बिचों वेंटर लाया अं ला के इधर सलेमपुर वाल जा रहे इनू मौके से फड़ लिया तो एक पूछगिछ से भी पता लगता सुल्तानपुर के अधीन आते गांव सैदपुर के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में देर रात तीन चोरों द्वारा मेन गेट का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। चोरी की यह सारी घटना वहां लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई। इस दौरान चोरों ने स्कूल के 10 कमरों के ताले तोड़ दिए। इस संबंध में जानकारी देते हुए स्कूल इंचार्ज ने बताया कि उन्हें इस घटना की जानकारी स्कूल के चौकीदार से सुबह मिली। उन्होंने बताया कि चोर एक पंखा चोरी कर ले गए हैं। स्कूल के कमरों को हाईटेक ताले लगे होने के कारण बड़ी चोरी नहीं हो सकी, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं परमजीत सिंह
इंचार्ज सरकारी कन्या सीनियर सैकेंडरी स्कूल सैलपुर। मैनू अज सवेरे स्कूल के पीएन गुरचरण सिंह वालों तकरीबन 7:09 से फोन करके दसा गया कि जदों वो स्कूल विच आया तो उसने देखा कि स्कूल दे विच कमर के 9-10 जिंदे टुटे हुए है। ये जिंदे जड़े आ जदों टीवी विच आपां देखा गया उस विच कैमरे देखा गया पता लगा कि 3 आदमी है जिन्होंने अपने चेहरे ढके हुए है मूँह बन्ने हुए है तो वो इस चोरी की मनसा नाल आए है तो उन्होंने आन के जिंदे तोड़े है तो स्कूल दे विचों एक फराटा पखा जिहड़ा वा वह चुके लै गए है। कुछ जिंदे तोड़ के उहदे नाल स्कूल की प्रॉपर्टी का नुकसान भी होया वा तो जिहड़ा चोरी करने वाला काम है वो बहुता हो कुछ बहुत नुकसान नहीं वो कर सके क्योंकि इंटरलॉक लगे हुए सके। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया जिसमें बाल व युवा गायकों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर गायक आर के महमी ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की जिसके बाद वीनू सहगल, गोपाल पांडे, बिनी सावरिया चंद्र, कन्हैया डोली, राजेश शर्मा और मीनाक्षी ने माँ भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, मंच संचालक बलदेवानंद और रमन शर्मा ने आई हुई भजन मंडलियों को मां की चुनरी देकर सम्मानित भी किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। ਤੇਰੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੁਮਟ ਪਾਇਆ ਬਾਲਾ ਮਾ ਤੇਰੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅੱਗੇ।
ਮਾਤਰ ਪਾਉਂਦੇ ਅੱਗੇ ਚੁਰਮਟ ਪਾਇਆ ਬਾਲਾ ਮਾਤਰ ਪਾਉਂਦੇ ਅੱਗੇ ਦੂਰ ਸੇ ਆਤੀ ਕਿਸ ਦਰ ਜਾ जोगीनाथ तेरा दीवाना शिव गोरा दे हो प्यारे तेनु पूजदा जमाना तेरे इश्क दे विच रंगिया जोगीनाथ तेरा दीवाना देव वीर भी कर दे दुखिया नू गल नल लाउंदे दे के प्यार लिख लिख के जुमलवा मैं तेरा नाम जोगिया लिख लिख के जुमलवा मैं तेरा नाम जोगिया स्वर्ग तू बद प्यारा तेरी गुफा दा है नजारा स्वर्ग तू बद प्यारा दमयंती देवी जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गई हैं, उनकी आत्मिक शांति हेतु गरुड़ पुराण का पाठ एवं रस्म उठाला श्री देवी तला मंदिर स्थित श्री राम हाल में संपन्न हुआ। इस मौके पर आए हुए पंडितों ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय दमयंती देवी की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर पूर्व मंत्री अवतार हेनरी, संजीव कुकन, पंडित बबलू शर्मा एवं पारिवारिक सदस्यों में महंत अशोक शर्मा, ललित शर्मा, मनोज, प्रमोद, राकेश, प्रवीण, हिमांशु, वंदना, लवलीन, सोनिया, मोनिका, नेहा सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय दमयंती देवी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मन के बस में होकर के जन्म लिया, जन्म लेते से ही खिलौनों में गया, यारी दोस्ती में गया, शादी हुई, पत्नी आई, पुत्र हो गए, उस माया में ऐसा बन गया ये जीव कि अपने खुद के स्वरूप को भूल गया, खुद के रूप को भूल गया। भगवान श्री कृष्ण गीता जी ने उनको बार बार कह रहे हैं कि अपने आप को पहचान कि तू है कौन, तू किस लिए यहाँ पर आया था। अरे ये मेरा और ये मैं हूं, ये मेरे हैं, जिनको तू कहता है कि ये सब मेरे हैं और इनको मैं नहीं मानता, तो क्या तू इनको नहीं मारेगा तो ये नहीं मरेंगे क्या? अरे औरों की तो बात छोड़, तू खुद अपनी तरफ देख, तू खुद चाहे कि तू ना मरे तो क्या तेरी मृत्यु नहीं होगी क्या? चाहिए उस पर पिता परमात्मा का भजन करना चाहिए, किसी दिन देख लेना हमको भी ऐसी नींद आएगी तो सोया फिर न जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी, दुनिया जगाती रहेगी, अलार्म बजते रहेंगे पर हम उठ नहीं पाएंगे। ये मत अहंकार में जियो कि हम पता नहीं जिएंगे और ये लूट मार करते ही नहीं, हम इस तरह का व्यवहार छोड़कर उस परमपिता परमात्मा का भजन सुमरण की तरफ ध्यान दें। समय हो गया है, वाणी को यही विराम दूंगी। उस परिवार को, बहन जी के परिवार को भगवान ये दुख को सहने की शक्ति दे और इसी तरह से परमात्मा सारे परिवार को अपने चरणों में लगाए रखे। संगरूर में पड़ी एक घंटे की मॉनसून की पहली बरसात ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। जहां संगरूर का बस स्टैंड चौक झील का रूप धारण कर गया, वहीं एक नौजवान ट्रैक्टर के टायर की ट्यूब की कश्ती बनाकर चौक में बरसाती पानी से बनी झील के अंदर अनोखे तरीके से प्रदर्शन करता हुआ नजर आया।
पूरे इलाके में कई फीट तक पानी जमा हो गया, जिससे साइकिल स्कूटर पानी में कई फीट तक डूबे दिखाई दिए, तो वहीं आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इलाका वासियों ने बताया कि उनके वाहन पानी में डूबकर खराब हो रहे हैं। 15 सालों से इस जगह पर पानी के निकास का समाधान नहीं हो पाया है। हर बार की बरसात में यह चौक झील का रूप धारण कर लेता है। दुकानों के आगे कई फीट तक पानी भर जाता है, जिसकी निकासी कई दिनों तक नहीं हो पाती, जिस कारण दुकानदारों की दुकानदारी ठप हो जाती है। इसलिए वे प्रशासन से इस समस्या का जल्द से जल्द हल करवाने की अपील करते हैं। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। हालात जी बाजार के आए थे, बस बुरा हाल आ, पानी किन्ना ना पानी खड़ा। स्कूटरी बंद हो गई जी, पानी पै गया। की कहना चाहते हो सरकार नु या प्रशासन? सरकार नु यही कहना भी वधिया तो पानी निकलना चाहिए जी किसी पासे ऊंची ऊंची। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जीरा के तलवंडी रोड पर स्थित माता काली मंदिर को चोरों ने बनाया निशाना, बैटरी इन्वर्टर एलसीडी और चांदी के गहने चोरी कर हुए फरार। पावर लिफ्टिंग यूरोपियन चैंपियनशिप किंग्रिस्तान में भवानीगढ़ के दपिंदर सिंह ने 18 देशों के 1500 खिलाड़ियों को दी मात, एक स्वर्ण एक रजत पदक जीतकर देश का नाम किया रोशन। जालंधर के अधीनाते कोट सदीक में चोरों ने एक घर को बनाया निशाना, सोने चांदी के गहने चोरी कर हुए फरार। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।